नमस्कार। तो आज आपके हम अंबुजा सीमेंट स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो अंबुजा सीमेंट में भी काफी वॉलेटिलिटी नजर आ चुकी है। अदानी ग्रुप के जो न्यूज आ रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर न्यूज आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे उछाल या गिरावट या उतार चढ़ाव देखने को मिला है काफी ज्यादा स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की भी बात की जाए तो स्टॉक फंडामेंटल के साथ हम लोग चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डालेंगे। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली 378 पे मिल रहा है। तो देख सकते कि न्यूज आई थी तब यहाँ पे 600 लेवल के करीबन हाई बनाया था स्टॉक ने। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे रिसेंटली काफी गिरावट होती होके दिखाई दी है हम लोगों को अंबुजा सीमेंट में। तो रिसेंटली देख सकते कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से लेवल सपोर्टिव है, रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले मार्केट कैप देखा जाए तो 75,000 का है, पी रेशो 36 है तो हाई जा रहा है, बुक वैल्यू 131 का है, आरओसी भी देख सकते हैं तकरीबन 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.30% है। फिर यहाँ पे ईपीएस अच्छा है 9.76, कंपनी के ऊपर लोन 43 करोड़ का है, प्रॉफिट 2261 करोड़ का है। रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न दे रहा है, पर प्रॉफिट में गिरावट 27% देखने को मिले। सेल्स ग्रोथ 7% ऑफ है। तो प्रोमोटर होल्डिंग 63% अच्छी है, पर पूरी की पूरी प्लेज है, जो कि चिंताजनक बात है अंबुजा सीमेंट के लिए। उसी की वजह से स्टॉक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के अंदर नजर आ रहा है। तो देख सकते कि चार्ट के ऊपर भी नजर डालोगे तो स्टॉक रिसेंटली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल लगेगी ऊपर के साइड स्टॉक के लिए वो है 400 लेवल, क्योंकि 400 लेवल पे पहले भी कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है स्टॉक। तो रिसेंटली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस जो है नजर आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि 400 लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे स्टॉक के लिए। तो वो ब्रेक होते तो ऊपर जाने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। नीचे की लेवल देखी जाए तो 325 लेवल है, सपोर्टिव लेवल है, उसके ऊपर जो लेवल रहेगी वो है यहाँ पे तकरीबन 350 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन लेवल्स आप लोग ध्यान में लीजिए, 350, 400 और 325।